पुरानी पुट्टी मशीन होती थी वो काफ़ी जगह कवर करती थी, तो उसका भी ऐसा कुछ नहीं रहा है, थोड़ी सी जगह में आ जाती है, इसके नीचे टायर हैं, कहीं पे भी खिसका के अपना चारा काटो और इसे कहीं भी कोने में रख दो, इसमें पल्लू आने का, हाथ आने का ऐसा कुछ डर नहीं है, बहुत ही सेफ है। दोस्तों, किसान खेती के साथ साथ पशु भी रखता है और पशुओं को चारा खिलाने के लिए एक चारा काटने की मशीन की हर घर में आवश्यकता होती है और हर घर में चारा काटने की मशीन भी होती है। अभी तक अपन ने जितने भी चारा काटने की मशीन देखी है, चाहे वो आपके घरों में हो चाहे हमारे घरों में हो, तो वो पुरानी पद्धति की मशीन है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी चाफ कटर, एक ऐसी कुट्टी काटने की मशीन, चारा काटने की मशीन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों, जो 2-in-1 काम करेगी, जहाँ पे आप लोगों की चारा काटने की समस्या है वो हल हो जाएगी, उसी के साथ साथ आप अपने पशुओं के लिए दलिया भी बना सकते हो। दलिया के साथ दोस्तों अपन उससे आटा भी बना सकते हैं, तो मतलब दोस्तों एक तरह से चाफ कटर विद आटा चक्की मशीन। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, मैं पूनिया एग्रोटेक चिड़ावा झुंझुनू राजस्थान यहां पे आज आया हूं और मैंने आज यहां पे एक 2-in-1 ऐसी मशीन देखी है जिसकी विशेषताएँ देख कर मैं दंग रह गया। फिर मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना अपने सभी किसान भाइयों से ये सभी जानकारियां साझा की जाए, क्योंकि जो किसान किसानी करता है वो पशुपालन भी करता है। हाँ, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को पूनिया एग्रोटेक के ओनर मिस्टर आदित्य पूनिया जी से मिलवाता हूँ। मिस्टर पूनिया जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। तो दोस्तों, मशीन को स्टार्ट करने से पहले, कुट्टी काट के दिखाने से पहले, अपन पहले देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे मेन विशेषता ये है कि आपको आटा चक्की और चाप कटर अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें दोनों चीज़ें हैं साथ में। ये 2-in-1 मशीन है जिसमें आप आटा चक्की का भी काम कर सकते हैं और चारा कटिंग का भी काम कर सकते हैं। दूसरी मुख्य विशेषता ये, जगह कम घेरती है। आटा चक्की और चाप कटर अगर देसी वाले रखेंगे तो एक पूरा रूम चाहिए और बड़ी जगह चाहिए, ये एक छोटी सी जगह के अंदर आप इसको रख सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ें लगी है मेड इन इंडिया है। इसके अंदर कोई भी सामान आपका ख़राब हो जाता है तो आपको लोकल में कहीं भी मिल जाएगा। पीछे कुट्टी मशीन आती है, उसके अंदर जो जिस तरीके से ब्लेड रहती है उसी तरीके की इसके अंदर ब्लेड है, जो कि आसानी से यहाँ से धार लगा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। दो ब्लेड इसके अंदर है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो रोलर लगा हुआ है, जो रोलर है आपका देसी वाले चाप कटर में भी आता है। इस रोलर का काम क्या होता है कि पीछे से जो भी आप पूला डालते हैं, जो भी आप चारा डालते हैं, वो इस रोलर के माध्यम से दब के और एक साइज़ में निकलता है आगे, ताकि उसकी कटिंग सही हो और एक प्रॉपर साइज़ में कटिंग हो। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो ये आगे से इसके जो ब्लेड काटेंगी वो यहाँ से इसका आगे निकलेगा और आगे की तरफ फेंकेगी। ये नीचे इसमें मोटर लगाने का पूरा स्टैंड है, यहाँ पर आप मोटर लगाएंगे नीचे। ये यहाँ पे हैवी क्वालिटी के टायर दिए गए हैं। देसी वाली जो चाप कटर मशीन आती है उसके अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है, वो एक जगह फिक्स हो जाती है, उसको इधर उधर मूवमेंट नहीं करवा सकते। इसके अंदर नीचे हैवी क्वालिटी के टायर दिए गए हैं। आप इसको रोड पे 5 किलोमीटर चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, इधर से उधर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। पीछे से ये देखेंगे इस तरीके का इसके अंदर हॉपर दिया गया है, यहाँ से इसके ऊपर जो भी आपका पूला है वो यहाँ से पीछे की साइड से जाएगा। मेन खासियत ये भी है इसके अंदर कि जो आगे ब्लेड और गिरारी दी गई है वो काफ़ी दूर है, तो पीछे से अगर आप इतना हाथ भी दे देते हैं, पूरा हाथ भी आपका चला जाता है, तो भी आपका गिरारी से बहुत दूर रह जाता है, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी कि किसी का हाथ चला गया या कोई दुर्घटना घटित हो गई, ये इस चीज़ में भी सेफ़ है। दूसरा, इसका बेल्ट वगैरह आप अगर देखेंगे तो बेल्ट जो है मोटर से यहीं पे फिट है, ना कि कोई दूर डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी आपको कि बेल्ट के बीच में कोई कपड़ा आ गया या बेल्ट से कोई दुर्घटना हो गई, क्योंकि दूर है काफ़ी, मशीन के साथ एकदम बिल्कुल अटैच है। ये आटा चक्की इसी के अंदर यहाँ से ऐड कर दी गई है और यहाँ से आप इसको खोल के इसकी जालियाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे जाली चेंज करने का ये है कि जैसा आपको दाना चाहिए वैसा दाना इसके माध्यम से पीसा जा सकता है। आपको गेहूं का आटा पीसना है, दलिया पीसना है या बेसन पीसना है, तो उसके लिए ये यहाँ पे अनाज आएगा और ये ऐसी जालियाँ यहाँ पे लगेंगी। ये 5 तरह की जालियाँ रहेंगी जो कि आटा पीसने के लिए या फिर आपको दलिया वगैरह पीसना है, जो जो साइज़ आपको चाहिए वो साइज़ आप डाल सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर ये जाली फिट होंगी, जो भी साइज़ का आपका पिसाई करनी है उस साइज़ का आप पिसाई कर सकते हैं। ये जाली फिट करके आप इसको बंद करके यहाँ से, और यहाँ से आप जो भी इसके अंदर गेहूं डालना है, बाजरा डालना है या मसाले पीसने हैं या जो भी आपको आटा चक्की का काम करना है, बेसन पीसना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ से आप जो भी दाना डालेंगे यहाँ से पीस के नीचे से आ जाएगा। तो पूनिया जी, आप एक बात और बताइए हमारे किसान भाइयों को
कि ये जो आपके चाफ कटर है ये एक घंटे में कितना चारा निकाल देती है, साथ ही आपकी जो ये चक्की मशीन है इससे एक घंटे में कितना दलिया और एक घंटे में कितना आटा बनाया जा सकता है। इस मशीन से आप चारे की कटिंग जो है एक घंटे के अंदर 800 से 1000 किलो तक निकाल सकते हैं। गीला सूखा दोनों चारा ये काटेगी, और इससे आटा पीसना है तो 15 किलो आप आटा निकाल सकते हैं, और अगर इससे आपको दलिया निकालना है तो आप 15 से 30 किलो तक निकाल सकते हैं। और खासियत ये है कि जो देसी कुट्टी मशीन है वो आप दूर तक फेंकती है, वो इस साइड फेंकती है, इस साइड और दूर तक फेंकती है, वो इस साइड फेंकती है, इस साइड और सामने। इसमें जो भी आप पीछे से चारा डालेंगे वो सारा सामने की तरफ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर तक झाड़ू निकाल के उसको इकट्ठा करना पड़ता है। महिलाओं की ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, चारा काटने के बाद वो बहुत दूर तक बिखर जाता है। इसके अंदर सारा चारा एकदम सामने की तरफ जाएगा। आपको कहीं आप इस पे मुँह पे कपड़ा लगा के कट्टा लगा के एक जगह डायरेक्ट वैसे भी भर सकते हैं। पूनिया जी, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो चैनल से जुड़े हुए किसान भाई है, अगर इनमें से कोई किसान भाई आपसे ये चाफ कटर विद आटा चक्की खरीदना चाहे तो एक तो वो किस तरह से इसको खरीदे, कैसे प्राप्त करे, साथ ही इसकी वारंटी और गारंटी वो क्या होगी और इसका जो प्राइस है वो कितना होगा, ये सब जानकारी आप एक बार और दे दीजिए। सर, किसान भाइयों को खरीदने के लिए अगर कोई किसान भाई अपने घर मंगवाना चाहता है तो कोरियर के माध्यम से हम उसको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ उनके घर पे 7 दिन के अंदर कोरियर के माध्यम से पहुँचा देते हैं। उसके लिए ऑर्डर बुक करवाना पड़ता है, 2000 रुपये एडवांस देने पड़ते हैं, बाकी का बचा हुआ पैसा उनके घर पर जब मशीन आती है उस टाइम उनको देना होता है। दूसरी बात यह है कि जो किसान भाई हमारे नज़दीक के हों या फिर जो आके लेना चाहते हैं वो यहाँ आके ले जा सकते हैं, देख के उनको चला के संतुष्ट करके दिखाया जाएगा, फिर वो वहाँ पे मंगवाना चाहें तो यहाँ देख के चले जाएं और वहाँ उनके घर भिजवा दिया जाएगा, साथ में ले जाएं तो साथ में ले जा सकते हैं। तो हमने ये जो चाप कटर आटा चक्की के साथ वाला बनाया, उसके अलावा एक चाप कटर ये है, और भी अगर कोई कम रेंज का छोटा चाप कटर चाहिए तो और भी चाप कटर अवेलेबल हो जाएंगे। इससे अगर बड़े चाप कटर जिनको कॉमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए तो वो चाप कटर भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये वाला चाप कटर हम 21,000 रुपये का देते हैं, जो 600 से 800 kg काटता है, ओनली चारे का काम करता है, ये ओनली चारा कटिंग का काम करता है। इसमें सिर्फ आटा चक्की नहीं है, बाकी पीछे भी गिरारी है, सारा कुछ है इसके अंदर। और जो चारे की कटिंग है वो आधा इंची होगी, मतलब चारा छोटा कटेगा इससे। ये सेम उसी तरीके से बड़ा मॉडल है, इसके अंदर आटा चक्की भी दी गई है और साइज़ में भी और वेट में भी इसमें फ़र्क है। ये ज़्यादा वजन है, ज़्यादा साइज़ का है, आटा चक्की का भी काम करता है। इसकी कीमत 28,000 रुपये। वारंटी गारंटी का एक किसान भाइयों को रह जाता है कि ये कंपनी हमें क्या वारंटी गारंटी देगी, तो वारंटी इसके अंदर 1 साल की है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें आपको सालों साल तक कुछ नहीं बिगड़ना, ये हमारी इसकी खासियत है। आपको कभी फ़ोन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी कि इसके अंदर ये चीज़ ख़राब हो गई। मैंने बताया सब कुछ इंडियन है, हैवी है, क्वालिटी मजबूत और अच्छी क्वालिटी का हमने सब कुछ इस्तेमाल किया है। प्राइस है वो लोहे की रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर लोहे के मार्केट में भाव तेज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उससे भी प्राइस फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर सारा कुछ है वो देसी और इंडियन लगा। कोई भी किसान भाई इस चाफ कटर मशीन, इस कुट्टी मशीन को ख़रीदना चाहता है, इन पर अभी नंबर चल रहे हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पूनिया एग्रोटेक के नंबर मिल जाएंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।